नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपके लिए एक रोचक विषय भी लाए हैं। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद से लाई गई धूल में पौधे लगाने का कारनामा किया है। ये धूल हाल ही में नासा के अपोलो एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ लेकर आए थे। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाई गई धूल मिट्टी में पौधे उगाए हैं, जो मानव इतिहास और चांद को लेकर किए जा रहे तमाम रिसर्च में पहला मील का पत्थर है। श्रीलंका इन दिनों अब तक के सबसे बुरे आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच गुरुवार शाम रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री के बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ ही बयान दिया। विक्रमसिंघे ने कहा, गोटागो गामा आंदोलन जारी रहना चाहिए। कोरोना वायरस के कहर से अब तक अछूता देश उत्तर कोरिया भी अब इसकी चपेट में आ गया है। शुक्रवार तड़के खबर है, उत्तर कोरिया में कोविड 19 के कारण बुखार से 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,87,000 लोगों में बुखार के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। और अब बढ़ते हैं राष्ट्र की खबरों की तरफ। कांग्रेस के पूर्व सोशल मीडिया हेड और मांड्या से पूर्व सांसद व एक्ट्रेस दिव्या स्पंदना ने एक ट्वीट कर कर्नाटक की राजनीति में बवाल मचा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ बयान दिया तो उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है। वहीं पार्टी पर पलटवार करते हुए दिव्या स्पंदना ने ट्वीट कर लिखा है, उनके खिलाफ फर्जी खबरें चलाई गई कि वे पार्टी के 8 करोड़ रुपए लेकर भाग गई हैं। हरियाणा के पानीपत जिला में ओएलएक्स पर कार बेचने का फर्जी विज्ञापन डालकर साई कॉलोनी निवासी प्रदीप पुत्र वेदपाल से 50,000 रुपए की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को सीआईए 3 पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। तीर्थ यात्रियों के अभूतपूर्व आगमन के कारण केदारनाथ मंदिर में सुरक्षा और दर्शन को सुव्यवस्थित करने के लिए आईटीबीपी की तैनाती की गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ घाटी में तीर्थ यात्रियों के दर्शन और उनके आवागमन को नियंत्रित कर रही है। आईटीबीपी का कहना है, मंदिर में प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में जांच कर रहे अफसर अजीबोगरीब परेशानी से गुजर रहे हैं। मामले की जांच कर रहे अफसरों के समक्ष मास्टरमाइंड को पकड़ने की बड़ी चुनौती है, लेकिन जांच अधिकारियों को इसके साथ अपने उच्च अधिकारियों से बचने की भी चुनौती बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के किसानों ने जमीन गिरवी रखकर किसान क्रेडिट कार्ड तो बनवा लिए, लेकिन अपनी खेती को इस लायक नहीं बना पाए कि इससे आमदनी बढ़े। अब ऐसे हजारों अन्नदाता कर्ज में डूब गए हैं और उनका इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 30,366 किसान केसीसी पर लिया फसली ऋण नहीं चुका पाए हैं और उनके खाते एनपीए कर उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया है। डिफॉल्टर हुए इन किसानों के पास बैंकों के 728.65 करोड़ रुपए फंसे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार शास्त्री और एलटी विषय की टीजीटी पदनाम के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टैट करवाने की तैयारी कर रहा है। अगर सरकार शास्त्री और भाषा अध्यापक को टीजीटी पदनाम देती है तो अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए इन्हीं पदनाम के साथ आवेदन मांगे जाएंगे। इसके चलते इस बार टैट भी जून के बजाय जुलाई में करवाने की योजना है। कार्यक्रम में अब नजर डालेंगे अखबार के कुछ खबरों पर। हिमाचल में प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य में हिमाचल प्रशासनिक सेवा के 50 अधिकारियों को बदला गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को साधने के लिए भाजपा बड़ा दांव खेलने जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा धर्मशाला के होटल ट्रांस में 13 से 15 मई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज युवा मोर्चे से इस विषय पर लेख है, जिसमें लिखा है, तमाम युवा मुद्दों के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय पर्व अगर धर्मशाला में मनाया जा रहा है तो इस बैठक के माध्यम से हिमाचल भी अपना अवलोकन कर पाएगा। आगे का लेख आप खुद जरूर पढ़ें। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख ज्ञानवापी ताजमहल के विवाद, भूपेंद्र सिंह का लेख स्कूलों में सेहत का भी रिपोर्ट कार्ड हो, और छिलकों की छाबड़ी में पूरन शर्मा का लेख कहां गए वो लोग छपा है। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय पर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के गवाही 2 मिडिल स्कूल के हाल ये हैं।
कि यहाँ छात्र मात्र 3 हैं और नियमित शिक्षकों की संख्या 4। इस स्कूल में छात्र और शिक्षकों का यह अनुपात सिर्फ इसी शैक्षणिक सत्र का नहीं है, बल्कि पिछले 3-4 साल से लगभग यही अनुपात चला रहा है। कोरोना काल में तो यहाँ विद्यार्थी संख्या मात्र 2 ही थी। यही नहीं, स्कूल के मुख्य अध्यापिका मुक्ता देवी का तो ये कहना है, अभी स्कूल में कला अध्यापक का पद खाली है। इस स्कूल में 6ठी कक्षा में 1 छात्रा और 7वीं में 2 छात्र हैं, जबकि 8वीं में 1 भी विद्यार्थी नहीं है। प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए कई दावे करती है, लेकिन इस स्कूल की छात्र संख्या की तरफ या तो सरकार का ध्यान नहीं गया, या फिर ये स्कूल छात्रों को देखकर नहीं बल्कि शिक्षकों की शहर में एडजस्टमेंट के लिए अधिक उपयोगी साबित हो रहा है। इस स्कूल से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर अनाडेल हाई स्कूल भी है, जहां गवाही स्कूल को मर्ज किया जा सकता था। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।